नमस्कार, सिरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और आडवाणी जी को किसी ने बुलाया तक नहीं, तो आडवाणी जी ने राहुल गांधी को बुलाकर प्रधानमंत्री पद के नुकसान गिना दिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सपनों के प्रधानमंत्री आडवाणी जी। स्वागत है आपका। आडवाणी जी, अभी आप बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो आपकी वो नज़र किधर लगी हुई थी? मेरा इशारा नई दिल्ली की तरफ था। हमें बहुत अफसोस है कि आप पीएम नहीं बन पाए। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, यद्यपि मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की बड़ी घटना हुई है, उस घटना में प्रधानमंत्री जी का दायित्व है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। आप दावे से कह सकते हैं? मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने विज्ञापन देखे हैं। लेकिन ये सब किया किसने? मुझे पता नहीं, ये सब गवर्नर ने किया है। अच्छा, गवर्नर प्रधानमंत्री छोड़िए, ये बताइए कि बिग बॉस में सपना डांसर बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि इस स्थिति में प्रधानमंत्री की जवाबदारी है कि वो इस बात की जांच करे। मैं सीधे मोदी जी से क्यों कहें, होस्ट भी तो बदल सकते हैं। परिवर्तन की औपचारिक जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी तो इतने बड़े टैक्स सेवी हैं, उनको इस बिग बॉस के झमेले का पता नहीं है क्या? मेरी जो प्रधानमंत्री जी से बात हुई, मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उनको कोई भी जानकारी है। उन्होंने कहा कि ऐसा आपको आशंका है तो इसका निराकरण होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, गलत होना चाहिए, मैं बात करूंगा गृह मंत्री से। बिग बॉस को जाने दीजिए अपने घर में। आप ये बताइए कि भाजपा में तो आपका काफी भौकाल है ना? आज से कुछ समय पहले था, अब काफी कम है। अब इसके लिए भी आप मोदी जी पर इल्जाम लगाएंगे? मैं किसी को और भी संकेत नहीं कर रहा हूँ। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे नेता एक्टिव रहते थे, लेकिन आपके मैसेज कोई रिप्लाई नहीं देता था, इस पर आप क्या कहेंगे? काफी एक्टिव थे, लेकिन वो अपनी तरफ से ही एक्टिव थे या किसी के इशारे पर एक्टिव थे? मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पद। अरे दादा, प्रधानमंत्री जैसे आपकी भैंस खोल लिए हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। पार्टी गुजरात में आपसे प्रचार नहीं करा रही, आपको लगता है भाजपा हार जाएगी? मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने विज्ञापन देखे हैं। आप राहुल गांधी से मिलके पीएम बनने के नुकसान बता रहे थे, सोनिया जी को पता ये बात? मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उनको कोई भी जानकारी है। एक आखिरी सवाल, अगर सलमान भाई की फिल्म टाइगर जिंदा है फ्लॉप हो जाती है, तब क्या होगा? मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में प्रधानमंत्री की जवाबदारी है। अरे बंद करो दादा, हर बात में प्रधानमंत्री जिम्मेदार। ये थे हमारे साथ सपनों के प्रधानमंत्री आडवाणी जी। सिरी बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए दी ललन टॉप.com।